हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं ओजरी, बकरे की ओजरी। ये हमने पहले वैसे धो ली है, साफ कर ली है। अभी इसकी सफाई आपको दिखाते हैं कि वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले पानी हमने बॉईल कर लिया है, वो इसमें डालते हैं। पानी से ये बहुत ही प्यारी साफ हो जाती है, वाइट सी हो जाती है। थोड़ी देर के लिए इसको पानी में डिप करके रखेंगे। तो ये देखें, 1 मिनट के लिए पानी डाला था गरम, 1 मिनट के बाद ऐसे निकल आएगी। हाथ के साथ ऐसे उतारते जाएं या छुरी के साथ। छुरी के साथ भी ऐसे हो सकती है। ये ऐसे वाइट निकलेगी ना गर्म पानी के साथ। तो एक तो तरीका ये है कि ऐसे भी करके उतर सकता है ये गंदा वाला पार्ट। एक तरीका ये है, इसको इधर फट्टी पे रख के बिछा के ये जल्दी होगा। गरम बहुत है, ध्यान से हाथ जलता है। तो ये देखें, बिल्कुल साफ़ हो गई है, सारी हमने साफ़ कर ली है। अभी हम इसको उल्टा करके अंदर का पार्ट साफ़ करेंगे। ये देखें, अंदर गंदी है, इसको सारा उल्टा करेंगे। और ये ऐसे पकड़ के ये ऐसे साफ करना है, ये पकड़ के खींच देना हल्के हाथों से। तो ये देखें, अंदर का पार्ट भी बिल्कुल साफ कर दिया मैंने। अब हम इसको फिर सीधा करेंगे। और इसको छोटा छोटा काट लेंगे। बंद कर दे। इस तरह छोटे छोटे पीसों में सारी काट लेंगे हम।
तो अभी हमने ये छोटे पीसों में काट लिए। अभी इसको साफ करते हैं। एक चम्मच नमक का डालते हैं। ये आटा आटा डालेंगे इसमें। ये इसलिए कर रहे हैं कि इसकी स्मेल जो है ना, ये सारी ख़त्म हो जाएगी इसके साथ, इन चीज़ों के साथ। अच्छी तरह इसको मसलेंगे और ये स्मेल सारी ख़त्म हो जाएगी। आप भी इस तरह बना के पकाएं, तो देखना कितनी टेस्टी बनेगी। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे अपनी ओजरी के हिसाब से, जितनी है हमारे पास तो बहुत थोड़ी है ना। ये दो टमाटर हैं, तीन चार हरी मिर्ची हैं, वो डालेंगे। ये दो प्याज काट लिए हमने बारीक, ये डाल देंगे। अब इसको पकाएंगे जब तक के ये पानी खुश्क ना हो जाए। तो चेक करते हैं, पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसको तड़का लगाते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, दो बड़े चम्मच। ये खुश्क मसाले हैं, हल्दी है, नमक है और सूखी मिर्ची है, अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। तो ओजरी का सालन भुन चुका है, देखिए ऑयल छोड़ दिया इसने। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। और इसके साथ ही ग्रेवी के लिए आपने जितना पानी डालना है वो डाल देना। तो हम भी इसमें डालेंगे पानी। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।